टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से कभी नहीं जीता पाकिस्तान। दो मैच खेले, दोनों में हार मिली। आज जीते तो 13 साल बाद चैंपियन बनेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मेलबर्न में यह मैच भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड ने भारत को हराया था। पाकिस्तान ने पहली बार 2009 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त यूनिस खान टीम के कप्तान थे। इंग्लैंड ने 2010 में पहली बार यह ट्रॉफी जीती थी, तब पॉल कॉलिंगवुड टीम के कप्तान थे। दोनों टीमों में से कोई भी यह टूर्नामेंट जीते यह उसकी दूसरी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी होगी। इस स्टोरी में हम आपको फाइनल मुकाबले के पिच रिपोर्ट, पॉसिबल प्लेइंग 11, हेड टू हेड और भी कई मजेदार फैक्ट्स बताएंगे। दोनों टीमों के बीच 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए। 9 में पाकिस्तान और 17 में इंग्लैंड को जीत मिली। एक मैच टाई हुआ और एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। ग्रुप स्टेज में जब यह टीम आयरलैंड से हारी तो उसका दावा कुछ कमजोर पड़ गया। फिर जोस बटलर की कप्तानी वाली इस टीम ने शानदार खेल रही न्यूजीलैंड को हराया और इसके बाद श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 10 विकेट से जीत हासिल करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी भी टीम को हराने की ताकत रखती हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ पहले मैच में शिकस्त मिली, दूसरे मैच में उसे जिम्बाब्वे ने भी 1 रन से हरा दिया। 2 हार के बाद पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया, पहले नीदरलैंड को हराया और फिर साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, ये उसे आसानी से जीता। सेमीफाइनल में बाबर आजम की कप्तानी वाली इस टीम ने शानदार फॉर्म में चल रही न्यूजीलैंड को हराया। इसी बीच से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग पेयर फिर फॉर्म में लौटी। अब यही पेयर इंग्लैंड के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मेलबर्न में रविवार को 100% बारिश की संभावना है। हवा की रफ्तार भी 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। पीच की बात करें तो MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पीच गेंदबाजों को मदद कर सकती है। बड़े शॉट खेलने के लिए बल्लेबाजों को पीच पर समय बिताना होगा। ग्राउंड पर स्विंग अहम भूमिका निभा सकती है। यह ग्राउंड काफी बड़ा है, लिहाजा सिंगल और डबल्स की भी अहम भूमिका होगी। बने रहें खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।